सीआरपीसी डे फाइव नाम से दो वीडियोस हैं, और जो पहली वीडियो है सीआरपीसी डे फाइव, उसके बाद ये वीडियो देखनी है आपने। ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, और वो वीडियो बीच में अब्रप्टली बंद हो गई थी, तो अब ये सेकंड पार्ट है उसका, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां वो वीडियो हमने छोड़ी थी। सेक्शन 20 के अंदर फाइव सबसेक्शंस हैं, और पहले सबसेक्शन के अंदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। सबसेक्शन टू में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। सबसेक्शन थ्री में कहा गया है कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस है वो वैकेंट है, जो वो पोस्ट है वो वैकेंट है, उस जगह कोई नहीं है, और कोई भी बंदा, कोई भी दूसरा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसको सक्सीड कर रहा है उस ऑफिस को, टेम्परेरीली हो बेशक वो, तो उसके पास सेम पावर होंगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की। सब सेक्शन फोर में आ जाती है अपॉइंटमेंट की, इसकी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सब डिविजन के मैजिस्ट्रेट की। तो अब हमने पहले भी बात की थी, सब डिविजन पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अलग चीज है, जिन्हें हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, और SDM सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अलग चीज है, जो सेक्शन 20 के सब सेक्शन फोर के अंदर अपॉइंट किया जा रहा है। कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अब इसमें आ जाता है एक एक्स्ट्रा सब सेक्शन है 4A। 4A के अंदर क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है ना कि वो SDM को अपॉइंट करे, वो पावर वो डेलीगेट कर देती है किसके पास? DM के पास। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सब सेक्शन 4A के तहत किसी SDM को अपॉइंट कर सकता है। सब सेक्शन 5 के अंदर है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी पावर दी जा सकती है, कौन सी? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की। अब 21 भी था, 21 के अंदर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ रहे क्योंकि उसमें सबसेक्शन नहीं है। 22 में पढ़ते हैं जिसमें लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। 22, 23 दोनों में दो सबसेक्शन हैं। लोकल ज्यूरिसडिक्शन नंबर एक में बताया गया सबसेक्शन वन में कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बताएगा कितनी लोकल ज्यूरिसडिक्शन है। सबसेक्शन टू के अंदर कहा गया है डिस्ट्रिक्ट के, वैसे पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही होगी किसकी ज्यूरिसडिक्शन? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की, लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 23 में आ जाता है सबऑर्डिनेशन, पहले के अंदर है सबऑर्डिनेशन, कौन किसके सबऑर्डिनेट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट है ना ये बाकी सब मैजिस्ट्रेट। दो के अंदर आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में। 24 के अंदर आते हैं, नाइन सब सेक्शन है 24 में, सबसे बड़ा आप इसे ही समझ सकते हैं। सबसे पहले पता है क्या? हाई कोर्ट लिखा हुआ है सब सेक्शन वन के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए। सब सेक्शन टू बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो CGD लिखा हुआ है ना, तो सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गवर्नमेंट एंड डी इज फॉर डिस्ट्रिक्ट। सब सेक्शन थ्री के अंदर इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करी डिस्ट्रिक्ट के लिए। सब सेक्शन फोर के अंदर पैनल बना रहे हैं, पैनल ठीक है किसके लिए? प्रोसिक्यूटर्स के लिए। वो कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सेशन जज को कंसल्ट करके उसके बाद ये बनाए जाएंगे सब सेक्शन फोर में। सब सेक्शन फाइव में इम्पोर्टेंस बताई है पैनल की। सब सेक्शन फाइव में कहा गया कि जो बंदे का नाम इस पैनल में नहीं होगा उस बंदे को अपॉइंट नहीं किया जा सकता पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। अब सिक्स के अंदर कहा गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है वो पैनल, मतलब जिस स्टेट में या जिस एरिया में पर्टिकुलर कोई कैडर बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो और वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का कैडर है, तो उस कैडर के अंदर से ही अपॉइंटमेंट की जाएगी। सेवन के अंदर आ गया कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बंदे का पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का, मतलब बनने के लिए 7 साल एडवोकेसी की मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। 8 साल के अंदर कहा गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 9 के अंदर कहा गया है कि अगर किसी बंदे ने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, अगर वो था तो उसका ये एज एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, जितने भी साल उसने सर्विस की हो। 25 के अंदर आ जाता है जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सेक्शन है, इसमें 3 सबसेक्शन है प्लस ए, मतलब 1A भी है इसमें।
पहले के अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, दूसरा मतलब, और वन ए के अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, क्या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सब सेक्शन टू में है पुलिस के आगे लिख के मैंने क्रॉस बनाया हुआ, क्रॉस इसलिए कि किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं बनाया जा सकता, क्या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन सब सेक्शन थ्री में ये प्रोविजन दिए गए हैं, एक्सेप्शन दी गई हैं कि किस किस सिचुएशन में पुलिस को भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम दिया जा सकता है। 25A में कितने सब सेक्शन है, 8, ठीक है। तो पहले क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश की जाएगी सब सेक्शन वन में। दो के अंदर कहा गया है कि डायरेक्टर बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब सेक्शन थ्री में कहा गया कि जो हेड होगा वो डायरेक्टर होगा उसका मेन, बाकी सारे डिप्टी डायरेक्टर होंगे। फोर के अंदर, फाइव के अंदर और सिक्स के अंदर सबऑर्डिनेशन दी गई है। फोर के अंदर कहा गया है जो डायरेक्टर्स होंगे वो सब डिप्टी डायरेक्टर होंगे, वो मेन डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे। फाइव के अंदर कहा गया है जो हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं अपॉइंटेड, वो सब सबऑर्डिनेट होंगे किसके, जो डायरेक्टर है किसका, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का। सिक्स के अंदर कहा गया है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड हैं वो सबऑर्डिनेट होंगे डिप्टी डायरेक्टर्स के। सेवन के अंदर है कि पावर फंक्शन एरिया कौन बताएगा इन डायरेक्टर्स को, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। एट के अंदर है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है ना स्टेट का, उसके और जब वो काम कर रहा होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जैसे, तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करता, ठीक है। 28 के अंदर आ जाता है, तीन सब सेक्शन हैं 28 और 29 में, पावर बताई है कोर्ट की। सब सेक्शन वन में हाई कोर्ट की पावर दी गई है 28 में, सब सेक्शन टू में सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज की पावर दी गई है, सब सेक्शन थ्री में असिस्टेंट सेशन जज की पावर दी गई है। मैं यहाँ पावर्स बता नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको एक मैप समझा रहा हूँ इस वीडियो में। 29 के अंदर है चार सब सेक्शन, पहले में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर, सब सेक्शन टू में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर, सब सेक्शन थ्री में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर, सब सेक्शन फोर में कहा गया है कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर है वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की इक्वल है, और जेएम की पावर है वो एमएम के इक्वल है। 30 के अंदर दो सब सेक्शन है, पहला है भाई फाइन के बारे में है, ये डिफॉल्ट ऑफ फाइन इम्प्रिजनमेंट लगाने के लिए। सब सेक्शन वन में कहा गया है कि जो भी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ है ना वो पास कर दिया जाएगा। सब सेक्शन टू में कहा गया है कि जो मेन जो सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट है उसके एडिशन में होगी ये वाली इम्प्रिजनमेंट, जो फाइन ना देने की वजह से इम्प्रिजनमेंट की गई है वो जुड़ जाएगी जो मेन इम्प्रिजनमेंट है उसके साथ, मतलब एडिशन में है। 31 में आ जाते हैं, 31 के अंदर तीन सब सेक्शन है, इसमें क्या कहा गया है कि जो सेवरल ऑफेंसेस हैं, सेवरल ऑफेंसेस की सज़ा मिल जाती, कई ऑफेंसेस की सज़ा जब मिलती है तो आम तौर पे वो कैसे चलेगी, वन आफ्टर दी अदर, मतलब एक ऑफेंस की सज़ा पूरी होने के बाद दूसरे ऑफेंस की सज़ा शुरू होगी, जब तक जज कोई अपोजिट बात नहीं करता इसकी। अगली चीज़ सब सेक्शन टू में कहा गया है नॉट नेसेसरी से मतलब है कि जब कोई ऑफेंस की, कई ऑफेंसेस की सज़ा दे रहा हो कोई मैजिस्ट्रेट, तो सिर्फ इसलिए कि उसकी सज़ा उसकी लिमिट से ज़्यादा हो गई, जो 29 में उस जज के पास लिमिट है पावर की उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी कारण से वो किसी हायर कोर्ट में भेजे केस को, वो खुद भी डील कर सकता है, उसकी भी लिमिटेशन है वो सब सेक्शन दो में। सब सेक्शन थ्री में आ जाता है कि अगर अपील करनी है किसी बंदे ने कई ऑफेंसेस में से, तो वो जो टोटल सेंटेंस है ना उसको सिंगल सेंटेंस मान लिया जाएगा, मतलब जो अलग अलग ऑफेंसेस पे सेंटेंस दिए गए हैं उसको सिंगल सेंटेंस मान लिया जाएगा, और एज अ सिंगल सेंटेंस उस पे से अपील लग जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते 32 में क्या है, पावर दी जा रही है किसी को, सब सेक्शन वन और सब सेक्शन टू दो है, इसमें पावर दी जा सकती है सब सेक्शन वन के अंडर किसी बंदे को उसके नाम से या फिर उसके ऑफिस के हिसाब से, वर्च्यू ऑफ ऑफिस। सब सेक्शन टू बोलता है कि जब डेट ऑफ सर्विस, या फिर आप डेट ऑफ सर्विस मत समझें इसे, जब इस ऑर्डर के बारे में
उस तक कोई रिसीविंग हो जाती है, जिस बंदे को पावर दी गई है उस डेट से ये ऑर्डर इफेक्ट में आ जाएगा। 33 के अंदर सबसेक्शन नहीं है, 34 के अंदर दो सबसेक्शन है, जैसे 32 में भी दो थे, 34 में है विड्रॉल। सबसेक्शन 1 बोलता है कब हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर पावर दी हो किसी बंदे को, तो 34 सबसेक्शन 1 के अंदर वो क्या कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है। इसी तरीके से सबसेक्शन 2 में अगर कभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने किसी बंदे को पावर कन्फर की हो, पावर दी हो, तो सबसेक्शन 2 में ये दोनों भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब आ जाता है 35। 35 के अंदर तीन सबसेक्शन है। पहला है, इसमें होता क्या है, सबसेक्शन 1 में है कि परफॉर्म्ड बाय सक्सेसर, जो भी उसको सक्सेसर कोई मतलब एक कोर्ट है किसी जज का, और उस जज की जगह टेम्परेरीली या फिर किसी और कारण से कोई दूसरा जज सक्सीड कर रहा है उस ऑफिस को, मतलब उसकी जगह आ रहा है, तो उसके पास सेम पावर्स होंगी और सेम फंक्शन करने पड़ेंगे उसे जो पहले वाले जज ने करने थे। अगली चीज़, सेकेंड बात बताई गई है कि जो एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज का वो सक्सेसर कौन होगा, ये सेशन जज डिसाइड करेगा कि इनका ऑफिस कौन सक्सीड करेगा। तीन में मैजिस्ट्रेट की बात की गई है, इसमें कौन डिसाइड करेगा, डीएम या सीजीएम। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ ये सब सेक्शन भी आपको याद हुए होंगे। इस वीडियो के बाद मतलब जो डे 6 की वीडियो होगी उसमें सेक्शन 35 तक हर पॉसिबल क्वेश्चन जो प्रीलिमिनरी में आ सकता है, हर वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये 35 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल वाले सवाल भी आपको आते होंगे।